माँ शक्ति आज श्रद्धेय चंद्र कुमार क्रमांक 6/4 दिनांक 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार। और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नेफ साहब कानपुर से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 26। इससे पूर्व भाग 25 ले चुके हैं, अब ज्यादा समय ले लीजिए। आदरणीय नेफ साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने एक परंपरा डाल दी, रोज शाम की कुछ ना कुछ अच्छी बातें हो जाए, रोज का 1 घंटा दिन का 24 में से सही काम की तरफ जाए, सही तरफ इंगित करें। और अच्छा लगता है कि ऐसा समय हम लोग के लिए, रोज के लिए एक डिसिप्लिन में, जिसे कहते हैं ना निशासन में आ जानी चाहिए, उसी हिसाब से आ गई है। अपने उद्बोधन को प्रारंभ करने से पहले मैं माँ गायत्री को उनके मत का उच्चारण करके उनको याद करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा ताकि वो मेरी वाणी में शक्ति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय बाम्बे, मेरी वाणी में। देखिए, मेरी वार्ता हमेशा होती है कैसे बैलेंस्ड लाइफ लिखी जाए, कैसे बैलेंस्ड लाइफ जी जाए। बैलेंस्ड लाइफ जीने का मतलब कि किस तरह से प्रसन्न रहे। जीवन है, जीवन में सुख दुख कष्ट प्रसन्नता प्रेम सौहार्द नफरत सब चलती रहती है। निरंतर बहता हुआ समय है और बहती हुई जीवन है और लिमिटेड है जीवन का समय काल हम लोग का जो है वो लिमिटेड है। और उस लिमिटेड समय में ही हमको ऐसे कार्य करने हैं जिसमें उस जितना भी हमको जीवन काल मिला है वो सुख में बीते, प्रसन्नता में बीते, हैप्पीनेस में बीते, नाव ना हो, परेशानियां ना हो, दुर्घटना ना हो। दुर्घटना का मतलब खाली एक्सीडेंट से नहीं है, दुर्घटना का मतलब हमारी किसी तरह की भावनात्मक दुर्घटनाएं ना हो। से आप अक्सर देखते लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी ना किसी भावनाओं में पीड़ित हो जाते हैं, कि ऐसा कुछ झटका लग जाता है। ऐसे में जीवन को किस तरीके से जिए, आप देखिए जीवन हम लोग का बहुत सांसें लिमिटेड है, कहते गिनी हुई सांसें हैं सब कुछ, लेकिन हम लोग का जो लालच है ना जीवन में, इसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। जीवन सीमित है लेकिन हम लोग का लालच सीमित है, इसका कहीं कोई ना आर है ना पार है, किस लेवल तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्या चाहिए, जो भी मिल जाता है उसको मिलने के बाद हमें और चाहिए, कहीं हम पॉज लगाते ही नहीं है, कहीं हम उसका पाठ करना, लेकिन हमने उनका कितना पालन किया। चीज को सोचा उन्होंने क्या किया, उनका कब हम आरती करते हैं, उनका नाम जपते हैं, इतनी मालाएं करते हैं, सबका फायदा क्या। अगर हमने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारा, हम तो कहते हैं आप रोज एक प्रणाम करिए और ये कहिए कि आपकी शिक्षाएं हमारे साथ, हमारे जीवन को रोज उसी तरह चलाएं जैसे आपने अपने जीवन को चलाया, और हम अपने हृदय में राम राज्य बसा के चले, कृष्ण का गोकुल धाम हम अपने हृदय में बसा के चले, मथुरा को हम अपने हृदय में बसा के चले, आपके चरित्र को हम हृदय में उतार के चले और उसी चरित्र के अनुसार जिए। अगर हम वैसा कर सकें तो आपके पास सभी कष्टों से दूर हो जाए। पूजा करनी है हमको, अभी यहाँ जाना है, इस मंदिर में जाना, उस मंदिर में जाना, वहां पर ही हम ये भंडारा कराएंगे, हम इतनी भागवत कथा कराएंगे, सब करा लीजिए, लेकिन अगर आपने उनके चरित्र का अनुसरण नहीं किया, उनके कहे हुए मार्ग पे नहीं चले, तो जीवन में क्या लाभ है? जीवन के बाद क्या लाभ होगा ये तो ईश्वर ही बताएगा, लेकिन आपके अपने जीवन में क्या लाभ अगर आपने उनका अनुसरण, उनके चरित्र का अनुसरण नहीं किया। लालच के ऊपर बहुत कहानियां हैं, बहुत कथाएं हैं,
मैं अभी आपको एक कथा का बताता हूँ। एक राजा थे, बहुत ईश्वर के बहुत प्रेमी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, और उनके बताए रास्तों पे चलने वाले, एकदम जीवन को सादगी के साथ निभाने वाले, प्रजा के हमेशा कल्याण की बात सोचने वाले, हमेशा भगवत भगवान के नाम में लीन रहने वाले, और उनके आदेशानुसार या कह लीजिए उनकी जो चरित्र के अनुसार ही अपने राज्य को चलाने वाले थे। उनकी भक्ति पे प्रसन्न होकर एक बार भगवान प्रकट हुए, उनसे कहा मांगो क्या मांगते हो। भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, राजपाट है और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, प्रजा बड़ी सुखमय है, बस मेरी एक इच्छा है, जैसे आज आपने मेरे को दर्शन दिए हैं ऐसे आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दिए। उसे कहा ये नहीं हो सकता, देखो तुम मेरे बहुत हृदय के करीब हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिए, मेरी इच्छा हुई मैं तुमको जाके प्रकट रूप में मिलूं, तुमसे मिला, लेकिन तुम्हारी प्रजा को पूरा कर नहीं, सर आपने वादा किया है कि मांगो क्या मांगते हो, अब मैंने एक चीज मांगी उस पर भी आप इनकार करते हैं। भगवान ने कुछ सोचा, ठीक है तुम्हें ऐसा करना है कि कल सुबह अपनी सारी प्रजा को लेके यहां से 2 कोस दूर पे एक पर्वत है उनके पास ले आना, मैं वहीं पे सबको दर्शन दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उसी दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भगवान के जिस जिस को दर्शन करने सब आ जाएं, और उन्होंने बल्कि इसको अनिवार्य कर दिया कि सबको आना है। अपने वजीर से कहा, अपने मंत्री से कहा कि आप घर घर जाके ये कहलवाइए, डुबकी पिटवाइए कि भगवान दर्शन देने के लिए उस पर्वत के पास आ रहे हैं, कल सुबह सब लोग चलेंगे राजमहल से उस पर्वत तक 2 कोस पैदल यात्रा करते हुए ईश्वर के दर्शन करेंगे। सुबह भीड़ इकट्ठी हो गई, सब राजा आगे आगे, राजा रानी और उनके परिजन जो बहुत क्लोज थे वो सब आगे आगे चल रहे थे, और पीछे पीछे पूरा राज्य की प्रजा चल रही थी। अभी थोड़ी दूर चले तो देखा वहां पर एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ लगा हुआ था। जैसे उस पहाड़ के पास पहुंचे तो लगभग आधी प्रजा दौड़ के उस पहाड़ की तरफ गई। राजा समझ गया कि ये प्रभु का खेल है, इन्होंने लालच दे दिया। उन्होंने बहुत रोका कि भाई ईश्वर के दर्शन कर लो, ये सब तो मिलता रहेगा। लोगों ने कहा नहीं साहब, पहले ये कर ले, ईश्वर के दर्शन तो कभी भी हो जाएंगे। आधी जनता पीछे से गायब हो गई और आगे चले, जो 50% जनता बची हुई थी उसने देखा कि आगे चांदी के सिक्कों का एक पहाड़ लगा हुआ है, तांबे के सिक्कों से भी बड़ा पहाड़। उसकी भी आधी जनता जो बची हुई थी उसमें से भी आधे लोग भाग गए चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए, भी इकट्ठा कर लो ईश्वर के दर्शन तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। राजा थोड़े दुखी तो हुए, लेकिन उनका चलो प्रभु के जो सच्चे मित्र हैं, जो सच्चे चाहने वाले हैं वो तो मेरे साथ है, बचे हुए लोगों के साथ वो और आगे बढ़े। थोड़ी दूर और आगे चले तो वहां पर एक सोने के सिक्कों का पहाड़ था, उसको देखकर बची हुई प्रजा जितनी थी वो भाग गई कि बस इसके आगे तो कुछ नहीं मिलना, शायद यही प्रभु के दर्शन है, इन्हीं दर्शनों के लिए राजा हमको लेके आए थे, हम लोगों ने तांबे के सिक्के छोड़ दिए, चांदी के सिक्के छोड़ दिए, हमने इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए भगवान ने हमारे लिए सोने के सिक्कों का पहाड़ रखा। तब की पूरी जनता सोने के सिक्कों के पहाड़ की तरफ चली गई। राजा बहुत रोक रहे, कोई नहीं रुका, राजा बहुत व्यथित हुए, लेकिन अभी भी उनकी पत्नी और उनके अपने बहुत कुछ परिजन 5-10 लोग साथ में थे, वो ईश्वर के दर्शन के लिए और आगे बढ़े पर्वत की तरफ। लेकिन जैसे ही पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत से ठीक पहले एक हीरो का पहाड़ था, वहां पर देखकर उनके जो साथ के परिजन और उनकी अपनी पत्नी का भी मन डोल गया, और वो सब उन हीरो के पहाड़ की तरफ भागे। अब राजा अकेला रह गया, प्रभु के सामने हाथ जोड़ के दुखी मन से आंसू बहाने लगा। ईश्वर ने कहा देख लिया तुमने, तुम किनको लेके आए थे मेरे दर्शन कराने के लिए, ये लोग तो दर्शन करना ही नहीं चाहते, इनको जिस चीज के दर्शन चाहिए थे इन्होंने कर लिए, तुमको मेरे दर्शन करने थे, मैंने तुम्हें कल भी दिए और आज भी दिए, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो हमारी दौड़ किस चीज के लिए है, हम किस तरफ दौड़ रहे हैं? कहते हैं ना ईश्वर ने हमको नेत्र दिए हैं कि हम दर्शन करें, हम देखें, लेकिन दिखता वो तभी है जब हम अपनी नेत्र बंद कर लेते हैं, वो हमको बंद आंखों से दिखाई देता है,
हम नेत्र खुले रखेंगे, हमें तांबे के सिक्कों का पहाड़ भी दिखाई देगा, चांदी के सिक्कों का पहाड़ भी दिखाई देगा, सोने के सिक्कों का पहाड़ भी दिखाई देगा, हीरे भी दिखाई देंगे। लेकिन ईश्वर के दर्शन करने तो हमको नेत्र बंद करते हुए उसकी तरफ बढ़ना है और सिर्फ उसकी तरफ ही देखना है। वही हमारी एक आकांक्षा रहनी चाहिए, हमको ईश्वर को प्राप्त करना। लालच छोड़ना पड़ेगा, भौतिकतावाद से भागना पड़ेगा, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। लोभ, लालच, अहंकार, क्या क्या नहीं भरा हुआ हमारे मन। जब तक इन सबको नहीं निकालेंगे, हम जो प्राप्त करना चाहते, जो प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते, नहीं मिलेगी। तांबे के सिक्के कितने दिन चलेंगे, चांदी के सिक्के कितने दिन चलेंगे, सोने के सिक्के कितने दिन चलेंगे। जितने अधिक आपने बटोर लिए, उतना ही आपका खर्चा बढ़ जाएगा, उतने ही आपके विलास के साधन बढ़ जाएंगे और सब समाप्त हो जाएगा। कितना किसका कितने दिन चला है। रात में आदमी अमीर होता, सुबह उठता तो एक सिक्का नहीं बचता उसके पास। अगर प्रसन्न रहना है, ये लालच छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कोड़ है जीवन का। ये सब चीजें पाप का स्रोत है, लालच भी पाप का स्रोत है। ये हम लोग से वो कार्य करवा लेता है जो हमारे लिए नैतिक नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में नैतिकता नहीं रहेगी, हम प्रसन्न नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते, तनाव में रहेंगे। क्योंकि जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं, अनैतिक कार्य कर बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में लगातार चलता रहता है, ग्लानि होती रहती है, परेशान रहते हैं। ऐसी बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी मैंने। तीन शूरवीर थे, वे गांव से निकले तो उन्होंने देखा कि एक यात्री को कुछ लोग लूट रहे हैं, लूटपाट करके उन्होंने यात्री की हत्या कर दी। और आगे बढ़े, देखे एक घर से एक विधवा हो गई थी स्त्री, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसके घर वालों ने उसको धक्के देके घर से निकाल दिया और उसको कुछ भी नहीं दिया। उसका सब धन दौलत घर में रख ली उसके भाइयों ने, उसके देवर और जेठ ने, और उसको निकाल दी। आपका दूसरा स्वरूप देखा और आगे बढ़े तो देखा वहां के जमींदार ने लगान के लिए एक दीवार को झोपड़ी से निकाल के बाहर पीट रहे हैं और उनके घर का सारा सामान बांध के ले जा रहे हैं, लगान नहीं दे पा। पाप, पाप, इस पाप का अंत होना चाहिए। कैसे अंत कर, चलो पाप को खोजते, पाप का स्रोत क्या है उसकी खोज करते हैं और उसका अंत करते हैं। तीनों शूर भी चल पड़े, चलते चलते कहीं उनको पाप का स्रोत नहीं पता चला, लेकिन पाप कर्म चारों तरफ होते हुए दिखाई दे रहे थे। हैरान परेशान थके हारे से एक जगह बैठे तो वहां पर एक बहुत वृद्ध सज्जन बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने पूछा कि हम लोग पाप के स्रोत को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, हम उसका अंत करना चाहते हैं। हम लोग शूरवीर हैं, ईश्वर ने हमको ताकत दी, हम उस पाप के स्रोत का अंत करना चाहते हैं ताकि दुनिया से पाप समाप्त हो सके। उन वृद्ध सज्जन ने कहा कि यहां से एक कोस दूर एक पहाड़ है, उसके अंदर एक गुफा है, उसमें पाप का बाप यानी कि पाप का स्रोत रहता है। ठीक है, वो सब वहां पे। जैसे उस पहाड़ के नीचे उस गुफा में पहुंचे, उन्होंने देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा और पूरा अंदर से पहाड़ सोने का। जैसे उन्होंने सोने को देखा, उन सबका मन डोल गया, कहते हैं अब इसको ले चलना चाहिए। वो तब भूल गए कि हम क्या करने आए थे, पाप का अंत करने आए थे कि पाप के स्रोत का अंत करने आए थे। वो सब दिमाग से उड़ गए। उनको कहा कि आपस में बात की क्या करें, कहते अभी दिन में अगर हम सोना ले जाएंगे तो रास्ते में लोग लूट लेंगे, लुटेरे। ऐसा करते हैं, रात्रि का पहला पहर हो जाने देते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोना बांध के ले जाते हैं। उन तीन लोगों में से अब उनको भूख भी लग रही थी तो दो लोग चले गए शहर की तरफ कि हम लोग कुछ खाने का सामान ले आते, प्रबंध कर लेते हैं, एक आदमी यहाँ पे रखवाली के लिए छोड़ देते। अब ये देखिए, जिस पहाड़ जिस गुफा तक कोई आदमी नहीं पहुंच रहा था, ये तीन लोग पहुंचे। उनको लगा कि कोई यहाँ से सोने का ढेर ले ना जाए, एक आदमी को वहां पे खरीदारी के लिए रख दिया जहां पहले कोई भी नहीं था। खुद पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अब उनको लगा नहीं इसकी पहरेदारी करनी चाहिए, कोई कुछ ले ना जाए। दो आदमी चले गए। अब दोनों गए, रास्ते में
आ रहे थे, सामान लेने जा रहे थे, तो दोनों के मन में आया यार हम लोग 3 लोग हैं और 3 लोगों में बंटवारा हो जाएगा, क्यों ना सारा सोना मैं अकेला ले जाऊं। उसने जो आपका साथी उसके साथ चल रहा था, उसने पीछे से तलवार मार के उसका वध कर दिया और हत्या करके उसकी लाश को वहीं किनारे पे फेंक दिया जंगल में। उसके बाद वो पहुंचा शहर, शहर से उसने खाने का सामान लिया और उसने थोड़ा सा जहर खरीद लिया कि जो वहां पर बैठा हुआ कर रहा है उसको मैं जहर वाला खाना खिला दूंगा और वो सारा सामान लेके चला जाऊंगा। वो सब सामान लेके जब आया, पहुंचा, खाने आने रखा सामान, तो जो अकेला बैठा हुआ था गुफा की रक्षा कर रहा था उसके भी मन में आया कि ये वो जो लोग, दोनों लोग गए हैं, मैं उनको मारकर सारा सोना अकेला क्यों ना ले जाऊं। तो देखा अकेला आया है, उसने उसको आते ही छुरी मार के उसका वध कर दिया। वध करने के बाद उसने कहा अब आराम से भोजन कर ले, उसके बाद देखते हैं। उसने फिर उस भोजन को ग्रहण किया, बड़े चाव से खाया और जैसे ही भोजन खाया जहर का असर उसके ऊपर हुआ, पूरे शरीर में ऐठन हुई और वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। पाप के स्रोत का अंत करने चले थे और अंत में उसी पाप ने उनका अंत कर दिया। यह लालच, यह लोभ, जब तक हमारी ये भौतिक चीजों को देखने की आंखें खुली रहेंगी, जब तक हम इन चीजों को देखते रहेंगे, इन्हीं के पीछे भागते रहेंगे, हमें प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती। इन तीनों में से कोई भी प्रसन्न रह सका? ऐसे ही इन्होंने सोने को देखा, वैसे ही तीनों के मन में गुस्से विचार आने लगे कि कैसे पूरा पूरा अपने लिए रखा। कहानियों के पीछे के भावनाओं को समझिए, तीनों का मन उसी टाइम आपसे भर गया और तीनों तनाव में आ गए कि किस तरीके हम अकेले इस पूरे सोने को ले जाएं, कोई और ले ना जा सके। मैं मेरा 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 शुरू हो गया और तीनों षड्यंत्र करने लगे, तीनों तनाव में आ गए। ये भौतिकवादी चीजें, भौतिक चीजें जिनके पीछे हम लोग भागते रहे, समेटते रहिए और साथ में समेटेंगे आप ब्लड प्रेशर समेट लेंगे, अल्सर समेट लेंगे, एसिडिटी समेट लेंगे, तनाव समेट लेंगे, सब कुछ लेते हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम समेट लेंगे, समेटते चेहरे पे झुर्रियां लेते घूमेंगे आप, टेंशन लेते घूमेंगे, डरे डरे घूमेंगे, परेशान घूमेंगे, अंत में हाथ में कुछ नहीं आने वाला, कोई कुछ साथ लेकर नहीं जाता है। एकत्र करते रहेंगे किसके लिए? उपभोग भी नहीं कर पाते हम लोग। उपभोग तो उतना ही करेंगे ना जितना जीवन में आवश्यक है। अब लगा लीजिए कपड़ों के अंबार, लगा लीजिए अपनी अलमारी में, कितना पहन लेंगे? पहनना तो एक टाइम में एक ही है ना, एक ही तो वस्त्र पहनने, पैंट शर्ट पहन लेंगे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का पहन लेंगे, दिन में 2 बार बदल लेंगे, क्या करेंगे? 24 घंटे में हर 1 मिनट में आप बस ही बदलते रहेंगे, इतने कर लेते हैं, कर लेना चाहते हैं। खाद्यान्न का भंडार अपने रसोई में कितना भर लें? आपका उद्देश्य क्या है? महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, ऊंची ऊंचाई ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहिए, अच्छे प्रयास करने चाहिए, देने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए। तो हमारी ये भावनाएं हो जाएंगी कि हम लोगों का हित करने के लिए एकत्र कर रहे हैं, जिस चीज से हमको लोभ या पाप की संभावना हो सकती है वही अमृत हो जाता है। उचित भावनाओं का फर्क है, सारी भावनाएं हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर में, हमारी अपनी सोच में है। अगर हम अपनी सोच को सुधार लें, दूसरे के कल्याण की बात करने शुरू कर लें, तो चीजें अपने आप समाप्त हो जाती। इसमें भी हमें देखिए एक बड़ी अच्छी बहुत शॉर्ट स्टोरी है कि आदमी ने नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीद के बड़ी तेजी से चलाया जा रहा था, भाग रहा था, ट्रायल ले रहा था नई गाड़ी का, थोड़ा होता है अहम होता है। एकदम से ईटा कोई आया उसकी गाड़ी पे, धाड़ से पड़ा, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने गाड़ी पे ब्रेक लगाई, उतर के देखा एक बच्चे ने उसकी गाड़ी पे ईटा मार दिया।
उस बच्चे के पास गया, उसको मारने लगा थप्पड़ से, उसने हाथ जोड़ दिया। उसने, अंकल मैंने जानबूझ के आपको ईटा इसलिए मारा कि मेरी बहन जो व्हील चेयर पे है, उसकी व्हील चेयर काफी देर से एक गड्ढे में फंस गई है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, मैं छोटा हूं। मैंने कितने लोगों को रोकने की कोशिश की है, कोई रुक नहीं रहा, इसलिए मेरे को ईटा मारना पड़ा। वो जो शख्स गाड़ी लेके गया था, उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने उसकी बहन को निकाला, निकालने के बाद उसकी कुछ और भी मदद करनी चाहिए आर्थिक, जो उससे जो आवश्यकता उसके समझ में आई वो की। लेकिन उसने बाद उसने अपनी उस गाड़ी से डेंट को नहीं हटने दिया, कहता ये डेंट मुझे याद दिलाता रहेगा। लोगों को किसी की मदद के लिए ईंटा मारना पड़ रहा है, मेरी मदद के लिए रुको तो सही, हम कहाँ भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, परेशान हाल में। नहीं, कोई अंत है क्या भागने का? इस दौड़ में लगे हुए हैं हम लोग, दौड़ते रहिए चीजों के पीछे, ना अपना ख्याल है, ना अपने परिवार का ख्याल है, ना अपने आसपास के समाज के लोगों का ख्याल है। ईटे तो पड़ेंगे, फिर डेंट आपके चरित्र पे लगता है, आपके व्यक्तित्व पे लगता है। आपके दिमाग पे लगता है, आपकी सोच पे लगता है। अपनी सोच को सुधारिए। खुशी के लिए, खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो, ट्रबल्स ना हो। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसके जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो, ट्रबल ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। कौन सा व्यक्ति है? ईश्वर प्रदत्त, अब आप देख लीजिए इस वक्त टर्की में क्या हाल है, वहां की फोटोएं देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। देखा नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चे कैसे दबे, 70-70 घंटे, 18-18 घंटे, 80-80 घंटे से दबे हुए हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। और ईश्वर की लीला देखिए, जिंदा बच के निकल रहे, इनको बचा रहा बचा रहा, और हजारों लोग मर गए। तो प्रकृति प्रदत्त कष्ट है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कष्ट तो रहेंगे ही, आएंगे ही, अप्स एंड डाउन तो होने हैं। कभी हमारे मन की नहीं हो रही, कभी हो रही है, जब हो रही है तो हम बहुत खुश हैं, दैट इज अप, नहीं हो रही है तो डाउन। हमको प्रमोशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला, डाउन हो गए, हमको प्रमोशन मिल गया, हम अप हो गए, हम जो जॉब करना चाहते थे तो मिल गई, अप हो गए, जब जॉब चाहते थे वो नहीं मिली, डाउन हो गए। अप्स एंड डाउन से चलते रहेंगे जीवन में, और अप्स एंड डाउन्स या इन्हीं ट्रबल्स और इन्हीं परेशानियों के बीच से पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ निकल जाना ही जीवन जीने का मंत्र है। परेशानियों की ना होना, परेशानियों का ना होना हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि हमारे में वो, हमको वो सक्षमता होनी चाहिए, सक्षम होने चाहिए कि जो भी परेशानियां आए उनके साथ हम पूरे विश्वास के साथ लड़ सकें और उनको जीवन से दूर कर सकें। प्रसन्नता आती है, वो हैप्पीनेस है, वही खुशी है। खुश रहने का वही एक तरीका है। चीजें तो चलती रहेंगी, आप सोचेंगे साहब हमारी एकदम स्मूथ लाइन की तरीके से लाइफ हो जाए, किसी की नहीं हुई। रोग दोष घरों में चलते रहते हैं, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, कभी कोई गिर गया चलते चलते, हड्डी टूट गई, कभी कुछ हो गया, चलेगा। लेकिन पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन चीजों से निकल जाना ही जीवन है, और वही हमारे जीवन में प्रसन्नता लाता है। खुश रहने की यही सब तरीके हैं। जीवन में हमने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में सोचते रहेंगे तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। अब हमने कोई काम किया और उसके बाद हम दुखी हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस काम को गलत किया,
नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमने उसको पूरे नैतिकता के साथ किया है, नैतिक रहते हुए किया है, उसके बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिली, रिजल्ट सही नहीं रहा, तो वो हमारे दुखी होने का कारण नहीं हो सकता। ये कारण नहीं होगा कि हमारा वो काम गलत था। जिस टाइम हमारे सामने कोई काम आया या कोई परेशानी आई, कोई दुख आया, जो कष्ट आया, उस वक्त जो हमसे सबसे बेहतर हो सका, जो बेस्ट हम उस वक्त सोच सकते थे, जो हमारे कैलिबर है सोचने का, हम जो कर सकते थे वो हमने किया। उस करने के बाद भी अगर जो हम रिजल्ट चाहते थे वो नहीं आए, उसमें हमारी कार्य या कार्य प्रणाली का दोष नहीं है, हमने तो पूरी ईमानदारी से काम किया था। ईश्वर जैसा चाहे, उसने नहीं दिया रिजल्ट तो क्या कर सकते, नहीं हो पाया। लेकिन उसकी वजह से हमें दुखी नहीं होना है, हमको इस बात का संतोष रहना चाहिए कि हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरे मन के साथ उस कार्य को किया था, और जो मेरा बुद्धि था, जो मेरा विवेक था, उसके अनुसार ही काम किया। कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तनाव में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, काम का तनाव, सब बहुत काम है, बहुत काम, इधर भागना उधर भागना, ये भी करना वो भी कर ले, काम का तनाव बहुत होता है, बहुत परेशानी होती है। जिससे पूछो क्या आज सब बहुत तनाव हो रहा, बहुत टेंशन हो रहा। टेंशन को एक ऐसा वर्ड हो गया कि जैसे कोई मिठाई खा रहा है या चीनी खा रहा है, चाय में चीनी डाल के पी रहा है, इस तरीके से तनाव हो गया। मतलब उसमें कोई लाग लपेट है क्या, तब बहुत टेंशन, बहुत टेंशन है, ऑफिस में बहुत टेंशन है, घर में बहुत टेंशन है। इसका कारण सोचिए, हम बहुत ज्यादा काम करते हैं इस चीज का तनाव होता है, बहुत ज्यादा लगे रहते हैं इस कारण का तनाव होता है, या फिर उस चीज का तनाव रहता है कि जिस चीज से हमको प्रसन्नता मिले, जिस चीज से हमें खुशी मिले, या जो काम हम करना चाहते हैं वो हम बहुत कम कर पाते हैं। हमारा फोकस क्या है, भटक जाते हैं, हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं किस चीज से करने से हमको प्रसन्नता मिलती है, किस चीज को करने में हमको अच्छा लगता है। हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, इसको भी इकट्ठा कर लें, उसको भी इकट्ठा कर लें, इसका घर भी चले जाएं, वो भी कर लें, इस सब करने करने में हम अननेसेसरी के टेंशन या तनाव अपने जीवन पे स्ट्रेस ले आते हैं, परेशान हो जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव एंड चूजी, जैसे कहते हैं ना, दोस्त चुन के बनाइए, हर एक आपका दोस्त नहीं हो सकता, हर एक के साथ आप अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको अपने 24 घंटे जो दिए हुए हैं उनमें क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, और कोशिश करिए, आप कोशिश ही कर सकते, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करिए कि आप उन कामों में अपना समय लगाएं, उन कामों में अपनी शक्ति लगाएं, उन कामों में अपना दिमाग लगाएं जिससे आपको प्रसन्नता हो। जब आप ऐसा करेंगे तो विश्वास रखिए आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, काम का स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं, क्योंकि आप अपने काम में खुश रहेंगे ना। जब जॉब में भी प्रसन्न है, हाँ भाई हमारे मन का जॉब हो रहा है, लेकिन जहां आपकी परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, आपको वो सब वजह से कार्यालय आपको काम करने पड़ते हैं, आपके मन का काम नहीं, लेकिन आपको उस जगह पोस्टिंग मिल गई करना है, तो धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालिए, क्योंकि तो वहां और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन घर पे तो आप अपना चक्कर ही सकते हैं ना, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम तो दे ही सकते हैं, बच्चों के साथ वैसा टाइम तो बिता ही सकते हैं ना। हम तो समस्याओं को समझते नहीं है, और समस्या है, ट्रबल है, परेशानी है, क्यों है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उससे पार पाने का क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कभी करते हैं। एक बार एक
बाप बेटे घर पे थे, बेटा छोटा सा था, थर्ड फोर्थ में पढ़ता था। फादर एक किताब पढ़ा रहे थे, बहुत गंभीर अध्ययन का काम कर रहे थे। बेटा बार बार उनको तंग कर रहा था, पापा ये बता दो, पापा वो बता दो। पता नहीं ये मेरे को काम मतलब कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा। तो उनका इसको किसी काम में लगाते हैं। उनको इधर उधर देखा तो उनको एक वर्ल्ड का मैप दिख गया। उन्होंने उस मैप को लिया, कागज को फाड़ा, उसके 5-7 टुकड़े करके उसको दे दिए, कहते उसको दोबारा सही तरीके से पूरा मैप बना के दो। सोचा अब ये ले गया, अब 1 घंटे तक इधर उधर कंट्रीज को जोड़ता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ था, इंडिया कहाँ था, पाकिस्तान कहाँ था, बांग्लादेश कहाँ चला गया करके लाएगा। क्योंकि अभी उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया था, 5-7 मिनट के अंदर वो बेटा उनका उसको जोड़ के ले आया। अरे इतनी जल्दी जोड़ना है? उन्होंने देखा तो बिल्कुल सही जोड़ा हुआ था। अरे तुम्हें कैसे पता लग गया कि ये बिल्कुल वर्ल्ड का मैप तुमने इतने आराम से, कैसे तुम्हें सब कंट्रीज का पता था? कहता नहीं पापा, मैप को तो हमने देखा भी नहीं, जिस कागज को आपने फाड़ा उसके पीछे कार्टून बना हुआ था, मैंने उस कार्टून को सही तरीके से चिपका दिया, कार्टून भी सीधा लगा, मैं लेके आपके पास आ गया। वो छोटी सी ये कहानी मतलब एनेक्डोट या एपिसोड आपको ये बताता है कि हम लोग सिर्फ ट्रबल्स को ही देखते रहते हैं, परेशानियों का एक ही सिरा देखते रहते हैं, एक ही तरफ देखते रहते हैं। ये उस वो सिरा देखेंगे जहां से कोई हल नहीं मिल रहा, जो कुंद है, जहां एज है, जिससे हम अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं, उस तरफ देखते नहीं। बच्चे ने दूसरी तरफ देखा, कार्टून देखा, कार्टून बनाया, वो नक्शा अपने आप बन गया। ऐसे ही हम लोग भी परेशानियों के परे जाकर देखें कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। उन टेंशन को, उन परेशानियों को, उन ट्रबल्स को सामने सामने देख के, उनकी उनके व्यवहार को देख के, उनकी तीक्ष्णता को देखकर अपने आप को बैठे हुए सोच रहे क्या करें इसको लेके, समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तो चीजों को किस परिप्रेक्ष्य में देखना है, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम लोग रॉन्ग साइड पकड़ लेते हैं चीजों के और सोचते हैं बहुत अकलमंद है। कभी आप जब बहुत परेशान और आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, आप उस चीज के बारे में भूल जाइए, 10-15 मिनट मौन रहिए, अंतर मन से सोचिए, और हो सके तो एक पावर नैप ले लीजिए आधे पौन घंटे की, दोबारा जाके फिर A to Z शुरू कीजिए, एंड यू विल फाइंड आउट एन आंसर। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज चलता है, ये पूरी प्रकृति आपके साथ चलती है, आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जिसने ये परेशानियां दी हैं उसने उसके रास्ते भी बना रखे हैं, कोई ताला बिना चाबी के नहीं होता। कभी सोच के देखिए इस तरह से आपकी परेशानियां कितनी जल्दी से निपट चली जाएंगी। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, अपनी बच्ची जानने वाले थे, तो बच्ची को लेके आए थे। कह रहे थे इसने CA का 3 बार एंट्रेंस कर दिया है, नहीं पास कर पाई, अब ये क्या करें, इसने BCom कर दिया है। बैठ गया हमने बेटी को, वो भी बैठ गई, बैठ के बात सुनते रहे, उससे पूछा 2-4 बातें। इतनी देर मैंने नोटिस किया उसने अपने कान में ये ईयरपॉड्स लगा रखे थे मोबाइल के। मैं समझ गया इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। आई जस्ट आस्क्ड हर, बेटा कितनी देर तक तुम मोबाइल पे देती हो? नहीं अंकल बहुत ज्यादा नहीं देते। मैंने अच्छा क्या सुनती हो? शी सेड कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं, कुछ मूवीज देख लेते हैं। मैंने कहा तुमको इतना नहीं समझ में आया कि तुम मेरी बात सुनने आई और अभी भी कान में ईयरपॉड्स लगा के, पता नहीं हमें तो पता नहीं तुम म्यूजिक सुन रही क्या सुन रही हो। मैं तुम्हारे को पूरा लेक्चर दिए जा रहा हूँ, बेटा ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। उसका माइंड कहीं और चल रहा था, वो कुछ और कर रही थी। उसके पेरेंट्स लेके मेरे पास आए थे कि इसको आप गाइड करिए, उसको गाइडेंस से कोई लेना देना ही नहीं था। तो हमने उसके ईयरपॉड्स निकलवाए, उसका स्क्रीन टाइम पूछा और उसको पूरा बताया कि किस तरीके से बच्चे किया जाता है। देन शी वाज देयर वेयर आई वाज, मतलब वो उस जगह पे आई, उसके पहले तो किसी और ही दुनिया में बैठी हुई थी। हम लोग साथ भी यही रहते हैं, समस्या सामने होती है हम उसकी तरफ तो देखते नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, ये है, वो है, उसको दूर कैसे करना है उसके बारे में हम विचार ही नहीं करते, विचार शून्य हो जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ी देर मौन रहिए, मौन रह के सब चीजों से एकदम खोपड़ी घुमा लीजिए, बैठ जाइए,
अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, यू विल फाइंड एन आंसर. ये एक नेचर है कि किस तरीके से रिप्लाई देता है. मतलब पूछिए प्रकृति से, आपको जवाब दे. और एक चीज और समझ लीजिए, इन चीजों से, ये मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जनरली मैं अपने एक्सपीरियंस की बात ही करता हूं आप लोगों के साथ, जिन चीजों से हम भागते हैं या जिन परेशानियों से हम भागते हैं और उनका तोड़ नहीं निकाल पाते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, या वो लेसन्स जिनको हम क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं. मेरा कहने का मतलब, अगर आपने किसी परेशानी से अपने आप को बचने की कोशिश की, छोड़ो हटो हमें, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो बार बार उसी टाइप की और परेशानियां आएंगी, आपको तंग करेंगी. ये भी एक तरीका है नेचर का आपको सिखाने का. वो चाहती है नेचर, ईश्वर चाहता है कि आपके सामने जो परेशानी है आप इससे कैसे निपटना है, इसको सीखें, इसका तोड़ निकालें. आपको ब्रेन दिया है, आपकी विद्या है, आपके पास, आपके पास अनुभव इतने सालों का, इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढें. और एक बार आपने इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, उस तरह की परेशानी दोबारा नहीं आएगी, तो लेसन रिपीट होते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, वैसी परेशानियां बार बार आती रहेंगी. ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमने भी ये देखा कि जब आप स्कूलों में, जिस हम लोग की स्टडीज चलती थी, आप लोग का भी अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मेरा कोई अनोखा एक्सपीरियंस नहीं रहा, सबके जीवन में रहते हैं. एक सब्जेक्ट हम लोग बहुत तंग करता था हाई स्कूल में या ट्वेल्थ में, कोई कहे कि हमारे सारे सब्जेक्ट हमको बिल्कुल, हम वो नहीं रहता था. किसी को मैथ्स बहुत परेशान करती थी, किसी को फिजिक्स बहुत परेशान करती थी, किसी को केमिस्ट्री परेशान करती थी, किसी को अंग्रेजी बहुत परेशान करती थी, कोई ग्रामर में बहुत तंग रहता था, कोई हिंदी की में कहीं टेंशन रहता था कैसे करेंगे. जब किसी एक सब्जेक्ट से हम परेशान होते हैं या कोई एक दो सब्जेक्ट हमको करते थे जो हम नहीं समझते, तो हम लोग उनको अवॉइड करने की कोशिश करते थे कि इसको हम दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स से कवर कर ले. होता था ना पहले, अब तो खैर सबके 100% 90% 95% वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है. पहले हम लोग को डिटेल क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते थे. हम लोग कोई भी 7 में से 5 क्वेश्चन करो, पहला प्रश्न अनिवार्य इस टाइप से आते थे क्वेश्चन पेपर. हम लोग कुछ चैप्टर्स छोड़ देते थे, इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, या ये चैप्टर हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसका क्वेश्चन आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे. शायद वही हमारी नींव कहीं कमजोर हो जाती है, हम चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते. ये एक नया तरह एक तरीके का हमारे करेक्टर बिल्डिंग होने लगती है कि वी स्टार्ट अवॉइडिंग द थिंग्स. यहां पर आपको ये चीज सीखनी है कि आपको चीजों को अवॉइड नहीं करना है, उनसे भागना नहीं है. अगर कोई मतलब उस अगर आपने सब्जेक्ट्स को नहीं आ रहा उससे भागे, मैथ्स नहीं आ रही उससे भागे, या साइंस नहीं आ रही उससे भागे, तो जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी आप उससे भाग जाएंगे, क्योंकि एक टेंडेंसी आ गई बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग में, वो चीज आ गई. कोशिश कीजिए कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा तंग करती सबसे पहले आप उसी के पीछे पड़े. ये मेरा अपना अनुभव है, जब आप उस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हो फिर उसमें आप परंगत हो जाते हो, पास हो जाते हो, क्योंकि जिनको उस सब्जेक्ट में महारत हासिल है वो भी हमारी तरह की हाड़ मांस के बने हुए लोग, उनके पास भी वही दिमाग है, वही एटमोस्फियर है, वही टीचर्स हैं. बस कहीं किसी लेवल पे हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को भूल गए, एक पर्टिकुलर स्टेप को मिस कर गए, या क्लास में कहीं कोई हम समझ नहीं पाए चीजों को, दूसरों ने समझ लिया और हम उससे भागने लगे. ऐसे ही जब कोई परेशानी आए तो सबसे पहले उस परेशानी का सामना करिए, भागिए नहीं. भागने से चीजें बढ़ती हैं और आपके साथ लगातार चलती रहती है. जब आप उनका सामना करके उनका सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो आपको एक अंदर से आत्मविश्वास आता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और वही आपकी प्रसन्नता का कारण बनता है. परेशानी भी खत्म हुई और आपका आत्मबल बढ़ता है.
आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। जीवन के कुछ मंत्र होते हैं जो बहुत आवश्यक है जानने को, यह जीवन के कह लीजिए कुछ ऐसे सच हैं, सत्य हैं, ऐसे मित्र हैं जिनको हमेशा हमको ध्यान में रखना है और उनके उनको सामने रखते हुए उसी परिप्रेक्ष्य में हमको जीवन जीना है। ऐसे एक दर्पण कहते हैं, दर्पण है एक ऐसा मंत्र है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमको यह सिखाता है कि झूठ ना बोलिए। अगर हम रोएंगे तो दर्पण भी आपको रोता ही हुआ मिलेगा, अगर हम हंसेंगे तो भी आपको हंसता हुआ मिलेगा, आपके चेहरे की एक एक भावना उस पर प्रकट हो जाती है। दूसरा मंत्र है ज्ञान का। ज्ञान आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपको ट्रबल से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से लड़ने की ताकत देता है। उसे बोलने को कह दिया जाए किसी फंक्शन में, अगर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है आप बोल ही नहीं सकते, आपकी टांगे कांपने लगेंगी, आप विचार शून्य हो जाएंगे, भाव शून्य हो जाएंगे, शब्दों को खोजते रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको उसके विषय पर ज्ञान ही नहीं है। कि यदि आपको उस विषय का ज्ञान होगा तो आप धारा प्रवाह बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेंगे। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी भी उम्र में लेना प्रारंभ कर सकते हैं और इसको अंतिम सांस तक लेते रहिए, ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, अपने ज्ञान के कोश में वृद्धि कीजिए, मैं तो शब्द कोश में भी वृद्धि कीजिए, भाषा कोश में भी वृद्धि कीजिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है, आपको चीजों को समझने की एक नई दिशा देता है। सीखने की कोई ऐसी नहीं है कि हम उम्र ओवर हो गई, नहीं, अभी कोई नोबेल प्राइज मिला था 97 की एज में, वो अभी तक अपने प्रयोगशाला में बैठते हैं एट द एज ऑफ 97। हम तो कहते हैं मेरे पास तो अभी भी 27 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, हम प्रयोगशाला में जाकर बैठ सकते हैं, 20 साल तक बैठ सकते हैं। और धीरू भाई अंबानी को रिलायंस बनाने में 30 साल से ज्यादा नहीं लगे थे, तो वी कैन एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, हर आदमी का अपना अपना कैलिबर होता है। तो ज्ञान जो है हमको भयभीत नहीं होने देता, हमें आत्मबल बढ़ाता है, हम चीजों से लड़ना सीखते हैं। तीसरा हमारा मंत्र है सत्य का। सत्य के साथ अगर हम रहेंगे हम कभी कमजोर नहीं होंगे, हमारी जेब पैरों के नीचे की जमीन हमारे साथ चलेगी, सत्य की जमीन पे खड़े रहेंगे तो आप कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, आप भाग नहीं सकते झूठ के साथ, कितनी दूर भागेंगे, क्योंकि सत्य के साथ अगर आप हैं तो एक ऐसा रथ है जो आपके साथ आपके अंतिम समय तक चलेगा, अंतिम सांस तक चलेगा। सत्य के साथ रहिए, सत्य का साथ कभी मत छोड़िए, कोशिश करिए अगर आप किसी के साथ खड़े हैं, अपने किसी मित्र के साथ खड़े हैं, उसको भी यही कहिए सत्य के साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तो आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा, कि हृदय से आपको ताकत मिलेगी। नेक्स्ट है मंत्र प्रेम का। अगर आप हृदय में आपके प्रेम है, प्रेम आपका आपके माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति, समाज के प्रति, अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों के प्रति, आपके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज के प्रति, आपके घर के जितने लोग हैं उन सब के प्रति, ये प्रेम आप में कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आने देता। यदि आप किसी को हृदय से प्रेम करते हैं तो फिर आप उससे कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, उसकी प्रगति से आप में उल्लास आएगा, आप और प्रसन्न होंगे, जितना वो प्रगति करेगा आपको और अच्छा लगेगा। कहते ना आप बच्चों की तरक्की देख के आदमी बहुत खुश होता है, क्यों? मन से, हृदय से उनको प्रेम करता है। आपको अपने इस प्रेम को सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं करना, आप इस पूरे संसार को अपना परिवार मानिए,
पूरे समाज को अपना परिवार मानिए, अपने चारों तरफ के वातावरण को अपना परिवार मानिए और सबसे प्रेम करिए। आपके अंदर से ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, किसी तरह की कोई कुटिलता या कुत्सित विचार समाप्त हो जाएंगे। आपके आप में प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के आप आगे बढ़े ये आपके अंदर समाप्त हो जाएगा। प्रोफेशनल में बहुत होता है, इंप्लॉइज में बहुत होता है, डिपार्टमेंट से बहुत होता है, बिजनेस वाले में बहुत होता है, स्कूल्स में होता है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, और कंपटीशन की भावना कभी कभी नफरत में बढ़ जाता है। इसका ये चला जाए, खत्म हो जाए, इसका ये केस चला जाए, इसका ये नुकसान हो जाए, इसकी ये बोरियां गायब हो जाए, इसका चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, इनकम टैक्स रेड हो जाए, सेल्फ एक्साइज की हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, भला ये सब ईर्ष्या के स्वरूप है, विभिन्न स्वरूप है। आप सबसे प्रेम करिए, सबकी तरक्की चाहिए। जब आपकी इस तरह की इच्छाएं होने लगेंगी, इस तरह की भावना हो जाएगी, तो आप कभी तनाव में रहेंगे ही नहीं। सबकी तरक्की सोचिए, आपकी तरक्की तो अपने आप होने लगेगी, प्रकृति की सारी ताकतें आपकी तरक्की के पीछे लग जाएंगी। प्रेम का भाव, प्रेम सबके प्रति। एक आप विश्वास रखना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, अविश्वास करने लगते हैं, अपने चारों तरह एक अजीब सा वातावरण बना लेते हैं, मतलब हमें शंकाएं होने लगती हैं, शंकालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये आदमी जो अंदर आया पता नहीं क्या सोच के आया, मेरा क्या नुकसान करेगा, या जो मेरे एम्प्लॉयज हैं ये मेरे बारे में पता नहीं क्या करते हैं, मेरे जूनियर्स मेरे बारे में पता नहीं क्या करते हैं। आप हमेशा ये विश्वास रखिए कि वो सब आपका भला सोचते हैं, और परिवार के लिए तो विशेष करके कोई परिवार में आपका बुरा नहीं सोचेगा। जब तक आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, मतलब अगर आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, आपके हृदय में सबके लिए विश्वास की भावना है, विश्वास कीजिए अगर कोई उल्टा सोच भी रहा होगा वो वाइब्रेशंस वैसे उसकी गायब हो जाएगी, क्योंकि विश्वास की और प्रेम की सद्भावना की वाइब्रेशंस इतनी तगड़ी होती कि आपके रूम में आते ही उसका दिमाग घूम जाएगा, भाई हम गलत जगह आ गए, इनके बारे में ऐसी नहीं सोचना चाहिए। विश्वास रखना, जब विश्वास रखेंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे, शंकालु नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, यू विल बी आउट ऑफ ऑल द ट्रबल्स, सब चीजों से ऊपर, सबसे ऊपर। हमें तो भाई विश्वास है, हमें अपने पति पे विश्वास है, हमें अपनी पत्नी पे विश्वास है, हमें अपने बच्चों पे विश्वास है, और फिर उस विश्वास की कदर करते हैं लोग। अगर आप अविश्वासी हो जाएंगे, किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे, कहेंगे इसको कुछ भी करो, जो विश्वास ही नहीं करना तो ठीक है, इसको सोचने जो सोच रहा हम अपना काम करें, सब चीजों के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कर्म करना। हम सिर्फ सोचते ही रहें, किसी भी बात के लिए सोच लें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं फिर वो ऐसा हो जाएगा, फिर अपने आप को ये आएगा, वो कर देगा, आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। एक तो आप ये भूल जाइए कि कोई आपके लिए आपके काम करेगा, कोई नहीं करता। अगर कोई आपका काम कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा या कोई अपना उसमें स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा। कोई आपके लिए आपके कर्मों को, आपके कार्यों को नहीं करेगा, आपको अपने कार्य में स्वयं ही करना पड़ेगा। कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए, कर्म करिए, काम करते रहिए, जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी सुबह से उठ के आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, आपको कहाँ कहाँ जाना, क्या क्या करना, समाज के कौन से काम है, परिवार के कौन से काम है, प्रोफेशन का कौन सा काम है, व्यापार का कौन सा काम है, और शाम तक कोशिश करिए सब करिए, और विद ए वेरी पॉजिटिव माइंड कि हम जहां भी जा रहे हैं हम सारे काम करके आएंगे और मेरे सारे कार्य सफल होंगे, मैं किसी में असफल नहीं रहूंगा। कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है, और इन सबसे ऊपर सबसे उत्तम प्रवृत्ति है अध्यात्म की, इसी वजह से हम लोग रोज शाम को यहां जुड़ते हैं। तो हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंदर से मोह समाप्त हो जाता है, चीजों के प्रति मोह समाप्त हो जाता है,
भौतिकता के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। भौतिकता में सब कुछ आता है, परिवार भी आता है, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब आते हैं। जब हम सब चीजों को जो मैंने ऊपर मंत्र बताए या जो चीजें बताई उसको अध्यात्म की भावना के साथ करेंगे, हमारा कर्म ही हमारी पूजा हो जाएगी, वही हमारी प्रार्थना हो जाएगी। बिना मोह के करिए। गीता में इस चीज को बार बार कहा गया कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए, मोह समाप्त कर दीजिए। फल के प्रति आप मोह ही समाप्त कर दीजिए, किसी चीज से मोह मत रखिए। आप कर्म करते रहेंगे, आपके आवश्यकताओं का ख्याल तो ईश्वर या और ये प्रकृति स्वयं ही रखेगी। इस चीज को बार बार रिपीट करता हूं कि जिसने हमको पैदा किया है उसने हमारे लिए पहले से सारी चीजें उत्पन्न करके रखी। माँ के गर्भ में थे 9 महीने तक हमारे खाने पीने सब का इंतजाम किया हुआ था, बाहर आए हमारी सांस के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया हुआ था, माँ के पीने में दूध उसने पहले ही हमारे लिए रख दिया था, उपजा के रखा हुआ है। प्रकृति तो देती है, तो हमारे भाई बंधु थोड़ी जाते हैं हवा में से हाथ घुमाया और गेहूं निकल आया, प्रकृति तो देती है, जमीन से तो निकलता है, कौन निकाल, हमारे खाने पीने के लिए तो है, ईश्वर ने सारे तो इंतजाम किए हुए हैं। जितने पंछी हैं, जितने भी आप पशु पक्षी देखते हैं, जितने भी इसको कितनी बार कहा गया, कौन करता, हम थोड़ी करते हैं, करने वाला तो कोई है ना, सब बना हुआ बैलेंस, ईश्वर ने इतना सुंदर बैलेंस बना रखा है। तो हम अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से, अपने गुस्से विचारों से, अपने लोभ से, अपने लालच से, अपने अहंकार से और अपनी गिरती हुई मनोदशा से उस बैलेंस को क्यों बिगाड़ते हैं? प्रकृति का इतना सुंदर बैलेंस बना हुआ है, हमें अपनी भावनाओं का भी बैलेंस सुंदर बनाए रखना है। और जहां हमने इस चीज को बैलेंस बना लिया, अपनी भावनाओं को उचित प्लेटफॉर्म पे रखा, सब कुछ सकारात्मक रखा, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। और इसी आनंद में जीवन का आनंद लीजिए। समय समाप्त हो रहा, अब मैं अपना उद्बोधन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके सर, आज आपने बहुत सरल तरीके से अपने विचार प्रकट करे और कई कहानियों के माध्यम से बताया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और किसी कोई और को जिज्ञासा है पूछ सकते हैं, बाद में हमारे देवी से आपको सब धन्यवाद कह देंगे। मैंने कर दिया, ठीक है सर। चलिए मैं अनम्यूट कर, हाँ सर खोल लीजिएगा। आपने एक जगह जो कहानी सुना रहे थे तो उसमें एक कहानी छोटी सी मुझे भी याद आ रही है कि एक बुढ़िया थी, वो अपनी पोती को लेके जा रही थी, जवान पोती थी। तो रास्ता लंबा था, एक घुड़सवार निकला, शायद सुन भी रखी होगी आपने। उसने कहा बेटा मैं तो खाई पी हूँ, मेरी बिटिया जब वो है इसको वहां तक छोड़ देना अपना। तो बोले ना ना, तो अपने जाओ, और छोड़ चला गया। जब आगे गया तो उसके मन में विचार आया कि लड़की जवान है क्यों ना इसको बैठा ली जाए। तो फिर पीछे मुड़ा, उसने कहा कि अम्मा ला बैठा दे मैं छोड़ दूंगा। तो बुढ़िया बोली ना, जिसने तेरे मन में विचार किया बैठा ले उसने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंस दोनों साथ साथ चलती, मैंने देखा। अगर जो एक विचार आपके मन में पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ भी आएगा। अक्सर बिल्कुल हम सही लोग कह क्या रहे करते हैं कि कई जगह बोलेंगे तो उल्टा और चाहेंगे अच्छा, ये कभी होगा नहीं, क्योंकि कॉस्मोस में वो जो प्रतिध्वनि है वो पहुंच जाती है। और इसको लोग बहुत लाइटली मूड में लेते हैं कि इसमें तो कोई देख नहीं रहा, जबकि जो आपने सोचा इकोसिस्टम, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो पहाड़ पे या कहीं पर वो इकोसिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं उस जगह काम करता है। मतलब देखिए, मैंने एक बार कहा भी था कि सीसीटीवी कैमरे जब लग जाते हैं तो हम इमीडिएट कॉशियस हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, यहाँ कोई उसके सामने बदतमीजी रिकॉर्ड ना हो जाए, कि हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का सीसीटीवी परमानेंट लगा हुआ है, उसका सीसीटीवी नहीं देखते। नंबर 1, नंबर 2,
मैंने आज भी इस चीज को बार बार कहा कि आप कुछ भी करेंगे पर अच्छा कर रहे हैं तो नेचर की सारी ताकत, प्रकृति की सारी ताकतें आपका भला करने के लिए जुट जाएंगे। और अगर आप इसका बुरा करना चाहते हैं तो फिर नेचर आपके विपरीत चलने लगेगी। आप कुछ भी करेंगे आपको उसमें कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी, कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच के ऊपर चीजें डिपेंड करती है, आपके चारों तरफ का वातावरण उसी तरह का होने लगता है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस की आपके कहीं ना कहीं शरीर पे दिखने लगेगा, श्वास पे दिखने लगेगा, आपकी माना स्थिति पे दिखने लगेगा, ये सब चीजें प्रकट होने लगती हैं और हमने होते हुए देखी है। ये अनुभव की चीज है। ऊपर वाले ने जिसने हमको इस दुनिया में लाया तो ये तो हम मान के चलिए कोई तो है और वही है जो हमको लेके भी जाएगा। और तो जिसने इतने दिन तक के लिए छोड़ा हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए। और फिर जो शुरुआत मैंने कही आज की, जैसे राम कृष्ण को हम लोग मानते हैं उनके चीजों का अनुसरण नहीं करते, उन्होंने त्याग किया। भगवान राम ने 14 साल के लिए वनवास में चले गए, सब कुछ छोड़ के, भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, माँ के कहने पे, फादर के कहने पे चले गए। उन्होंने लंका को जीता लेकिन उसको एनेक्स नहीं किया, मतलब उस पर अपना राजा नहीं बिठाया। भाई विभीषण को, उसके भाई को, छोटे भाई को देके चले आए, वापिस आ गए, ठीक है तुम ना अपना आराम से रहो। हम लोग हर चीज को, ये भी मेरा, ये भी हो जाए, ये भी मेरा, ये भी हो जाए, ये भी मेरा, इसका भी चार्ज मिल जाए, उसका भी मिल जाए, ऐसा भी कर लो। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, वो अनुसरण करने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने भी जैसे मथुरागढ़ में जहाँ राक्षसों का नाश किया, वो खुद द्वारका चले गए ना, उन्होंने वहां पे जो जो वहां पे लोग थे उनको बैठा दिया, भाई आप लोग राज करो। पांडवों का साथ दिया लेकिन ये थोड़ी कहा कि हमने तुम्हें जिताया, अर्जुन को हटाओ मैं राजा बनूंगा, तुम लोग तो अकल ही नहीं थे, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। तो वो अगर हम उस विचार के साथ चले तो सिर्फ मेरा मेरा सब मेरे पास आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हमें उनके विचार भी अपनाने चाहिए, उनके पथ का अनुसरण करने चाहिए, वही असली पूजा है। हम अरविंद शर्मा साहब का बहुत बात करते रहे, बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, अब इतने बड़े बड़े काम करते ये करते हैं, लेकिन जब अनुसरण करने की बात हो तो क्या नहीं सर, हम तो नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं, तो फिर वो इट हैज नॉट नो मीनिंग। एक मैंने ये जीवन में देखा डालना चाहिए कि हमेशा एक जो है ना ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो एक अगर हम ये मान के चले कि ईश्वर हमारे साथ में और उसी को सोचते समझते मतलब रहे, मतलब उसके हर एक्शन में मान के चले कि वो सही हो रहा है, तो हमें कभी दिक्कत नहीं आती है। मैं कल का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कल हमें एक शादी में जाना था परिवार की, हम लोग लेट हो गए, तो जब मैंने तो आपसे क्लास के लिए भी कहा था, तो जब लेट हो गए तो हमने सुषमा जी को और अभिषेक को पहले भेज दिया। दोबारा जब हम लोगों ने कहा कि हम दोबारा ओला कर लेंगे, गाड़ी से आएंगे, तो वो 1 घंटे बाद हमें बड़ी मुश्किल से मिली ओला दिल्ली जाने के लिए। वो मिली और शहीद स्थल तक जाते जाते उसमें पहले जैसे हम बैठे तो हमने कहा ये आवाज़ कैसे कर रही है, जैसे पहुंचे गड़गड़ गड़गड़ कर बंद हो गई। तो मैंने कहा कि इंजॉयमेंट करा कि मैंने कहा चलिए हम यहाँ से उससे चलते हैं अपना मेट्रो से, मेट्रो में बैठे बिटिया भी साथ में। आगे जब उतरे जगह और जगह तो जो शादी का बहुत रास्ता, फिर हमने उसमें 3 व्हीलर से गए। मेरा माइंड यह कि हमें हर क्षण में एक इंजॉयमेंट आना चाहिए। अगर हमें ये आ जाता, क्योंकि एक थॉट है कि मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले, हमें अपनी हल्की सी मनस्थिति को चेंज करनी होती है, और जैसी हमने मनस्थिति चेंज करी ऑटोमेटिकली चीज हमारे फेवर में हो जाती है। मतलब क्योंकि हम टेक इट ग्रांटेड जब मानते हैं, देखिए कहते हैं ना कोई आज बुरा नहीं तो हमारे मतलब का नहीं होता, हम जब अपेक्षाएं पालते हैं ना कि ये मुझसे ये फायदा ये, तभी हमें दुख होता है किसी कारण कहीं ना कहीं। और एक आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो सेकंड नंबर पर ज्ञान, मतलब ज्ञान को तो हमेशा कहीं ना कहीं से ले चले, जैसे थॉट बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी लाइन है कि ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है, मतलब ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है, इसे फुल लोड करके रखो हमेशा, मतलब फुल लोड करो, मतलब फुल लोड हमेशा नॉलेज, और जहां से भी नॉलेज मिले आपको ले लेनी चाहिए। अपने हथियार को अपडेट करते रहो, हाँ तो ज्ञान के नहीं, हथियार को अगर अपडेट देखिए करते रहो, अगर सीखते आने वाले रहो। टाइम में, अगर आने वाले टाइम में हमने अपग्रेड नहीं किया तो डिग्रेड हो जाएंगे सर। सही बात है, जब कंप्यूटर आ गया तो सीखिए। अब देखिए हम लोग बैठे हाँ जूम में मीटिंग कर ही रहे हैं ना। हाँ तो अपने अपने को तो कहते हैं। और एक आपने जो विश्वास वाली बात की बहुत अच्छी कही कि मतलब जैसे प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, लायर हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, जब तक विश्वास नहीं होगा तो हम काम में नहीं कर सकते। एक ड्राइवर देख लो जिसको हम नहीं जानते, जैसे हम बैठते हैं वो छठी साथी पास होता है, उसी में पूरी जान लगा देते हैं, तब ये पहुँचा देगा हमको, हाँ विश्वास ही तो है, ठोक दे ये भैया करेंगे। ट्रेन चला रहा ड्राइवर, उस पर विश्वास ही तो है कि आपको पहुंचा देगा। हवाई जहाज पे बैठते पायलट पे विश्वास ही तो है पहुंचा देगा, वरना हवा में चितरे पितरे बैठे होंगे। एक जो आपने कही ना कि वो जो चीजों पे एंजॉय करना चाहिए, इनफैक्ट क्या है कि
हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर हम ये सोचें, आपने भी जैसे शादी में जाना है, वहां तक पहुंचेंगे या रास्ते में कैसे पहुंचेंगे कितने, ये आप कुछ हाथ में नहीं। और जिन चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं है उनको वैसे ही स्वीकार लेना ही उसी में बुद्धिमत्ता है। जैसे बहुत अजीब सा एग्जाम्पल मैं देना, किसी घर में कोई यंग डेथ हो गई, किसी बच्चे की डेथ हो गई, वापिस तो नहीं आने वाला ना, दैट इज अ फैक्ट। अब इस ट्रबल क्या सोल्यूशन है? रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे तक। और फिर भगवान से ठीक क्यों कहें कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब वो सुख दे रहा था, जब आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर रहा था, जब आपके भंडारे भर रहा था, आपको मान इज्जत, आपको ज्ञान विज्ञान ध्यान सब दे रहा था, आपके भाई बहन आपको इतने बड़े बड़े घर में पैदा किया, तो आपने नहीं कहा कि भाई मी, अरे उसने एक छोटी सी चीज आपसे ले लिया, जैसे आपके हिसाब से बहुत बड़ी थी, जो भी कारण उसका रहा, उसका कर्म के ऊपर मैं नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो रीजन होते हैं जो इस तरह जवान बच्चे घर से की डेथ हो जाती है। तो कहते हो कि भगवान मेरे साथ ही क्यों? अच्छा वो दे रहा था तब तो नहीं कहा था आपने भगवान मेरे साथ ही क्यों? तब तो आप आराम से लेते रहे, दोनों हाथ फैला के, हाँ दे दो दे दो दे दो। जब उसने एक चीज छीन ली, अरे मेरे साथ ही क्यों? जब ऐसे कोई भी कष्ट आ जाए सर, मन को मुश्किल होता है, लेकिन स्थिर रखना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, समय लग जाता है, धीरे धीरे अभ्यास से चीजें आ जाती। हमने तो बहुत लोगों को देखा है सर, उन्होंने इतने मन को स्थिर कर लिया है कि उनके घर में मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, पति चला जाए, बेटा चला जाए, कोई चला जाए, उनको मतलब वो भजन ही गाते रहते हैं। मैं साथ में हम सुबह मंदिर जहाँ जाते हैं, वहां एक ऐसा परिवार है, हम देखा मतलब वो बेटे अपने सिस्टर की बेटी की शादी में गए थे, उनको पता चला उनके फादर की डेथ हो गई, 2 दिन उन्होंने पूरी शादी निपटाई, किसी को पता नहीं करने दिया, और 2 दिन बाद घर जाकर फिर उन्होंने क्रिमेशन किया फादर का, और किसी को वहां पता नहीं लगने दिया। सब मिठाइयां मिठाइयां खरीदे, सब बांटते रहे, नाच वाच करते रहे, जब लौट के आए हैं और मन में कहीं अकेले में रोते रहे तो कह नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग पड़े थे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दिल वाले, बड़े बड़े दिमाग वाले, स्थिर दिमाग वाले। ईश्वर ऐसी बुद्धि सबको दे, मैं तो ये कहता नहीं, हमारे यहाँ भी हमारे परमपूज्य हूँ। गुरुदेव का कहीं प्रवचन चल रहा था, माता जी जब उनका डेथ हुई तो प्रवचन देते रहे, और उसके बाद उन्होंने करी शायद, मेरे ख्याल से एक हम कोई और थे, एडवोकेट भी थे हमारे थे, तो वो स्वतंत्रता के समय में जब उनके डेथ हो गई मदर की, तो वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, मतलब तो चिट्ठी आई, उन्होंने जेब में रख ली, मुझे अभी नाम नहीं जान आ रहा, तो उन्होंने जब साहब ने जो डेट उनको दी, तो बोले कि ये डेट रहने दीजिए कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, बोले आपने बताया नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो कि कर्तव्य समझ के चलते हैं, यानी बेसिक पॉइंट क्या था, वो जो कर्तव्य है प्रधान होता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए हाँ कहा जाता हाँ सर, किसी के, हाँ ये तो वल्लभ ये भाई पटेल के हाँ, तो लिए। कर्तव्य जब जहाँ सामने होता है ना, देखिए अगर हमारे मन में एक ही लाइन आ जाए कि हमें अपना कर्तव्य समझ के करें जैसे करें, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग अधिकार की कामना करते, कर्तव्य भूल जाते हैं ना। अगर हम सब कुछ हम ही को दे दो। एक ही थॉट रहे कि हमें यह कर्तव्य करना है, भाई का है, बेटे का है, माँ का है, जो भी अभी कर्तव्य बनता है, राष्ट्र के अधिकारों प्रति, पर देश के पहले प्रति, कर्तव्य हाँ रखेंगे तो अधिकार अपने आप क्लाइंट के मिलते प्रति, हैं। हाँ अधिकारों से पहले कर्तव्यों को करें तो अधिकार अपने आप मिल जाते, तो कर्तव्य ये करते रहिए। सूक्ष्म जगत की इतनी बारीक ऑब्जर्वेशंस है कि जीवन बिल्कुल हल्का फुल्का है, इसको हमने कहीं टफ बना रखा है, बहुत यस, हल्का है, इतना इतना हम ही एंजॉयमेंट है कि दोषी हाँ? हैं अपनी सभी परेशानियों के लिए, हम स्वयं दोषी हैं और अपने मैं अभी तनाव के लिए, अब हम स्वयं दोषी हाँ हैं। ऋषि साहब बोलेंगे, तो इससे पहले मैं एक बात बड़ी अच्छी कह रहा था कि जैसे हम लोग इस टाइम एक दो एज होती है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो हम लोग एक एक 50 वाला तो कंप्लीट कर चुके हैं काफी लोग, सभी लोग, और 50 के बाद में भी 65-60 में पहुंच चुके हैं। तो देखिएगा हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने 60 साल के बाद ही कार्य किए, अगर देखा जाए प्रभुपाद जी ने 60-62 साल में ही इस्कॉन की स्थापना करी, पैगंबर साहब ने 60 में किया, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस का 72 में किया, 72 में किया, विनोबा जी ने कहते हैं उन्होंने 70 वर्ष की आयु में ही डिफरेंट भाषा सीखने का प्रयास को किया, भगवान बुद्ध भी 82 वर्ष तक में निर्वाण उन्होंने लिया, मतलब तो हमारे यहाँ इतने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि उन्होंने जो शेष, मतलब जो जो शेष है वो ही विशेष है, मतलब बिल्कुल, जो शेष है वो विशेष है। अब इस विशेष को कैसे करना है, क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि इस समय एट प्रेजेंट ये बहुत लंबे टाइम के बाद ये वक्त आता है जहां पर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट समय में विशिष्ट कार्य करना है,
विशिष्ट सही कह समय रहे हैं। में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है, और अगर हम उस कार्य से पीछे हटते हैं तो भगवान हमको, भगवान में जो शक्ति है, क्योंकि कहते हैं समय प्रभाव प्रतिभा, ये व्यक्ति का नहीं होता, परमात्मा का होता है। अगर आज समय अच्छा है तो परमात्मा कृपा से है, प्रभाव है तो परमात्मा कृपा से है, प्रतिभा है तो उसकी कृपा से है, ये तीनों चीज उसी की है। तो हमारा अस्तित्व इनकी वजह से है, ना, अपना अस्तित्व परमात्मा की कृपा से है, वरना हमारे में क्या वरना रखा तो अर्श से फर्श पे आने में 1 मिनट लगता है। पता कि एक झीनी सी परछाई है, एक लाइन के बाएं गए थे इधर, बाएं गए तो फिर निकल गए, फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, तो उसका अस्तित्व हमारा उनकी वजह से है। नहीं, आप देखिए एक से क्या, अच्छा क्या ये आज हमारी इतनी लंबी जो क्लास चल रही है, परमात्मा ने अगर हमको बगैर विघ्न के 1 घंटा माइंड मेकअप करके दे रखा है तो क्या उसकी कृपा नहीं हम पे? अभी कोई ऐसी बिल्कुल सूचना आ जाए तो हमें जूम छोड़ के जाना पड़े या क्लास छोड़नी पड़े तो क्या करेंगे हम? हाँ, वेरी ट्रू। ये तो बहुत बड़ी कृपा है उनकी अभी। चलिए सर, और किसी को प्रश्न पूछ सकते? हाँ, मैं कहा जितेंद्र मोहन जी पूछा जितेंद्र है। मोहन जी बोलिए, बोलना कुछ मन में आता है, जितेंद्र मोहन जी के मन में कुछ आ रहा है हाँ यस, बोलिए, बोलिए जरूर बोलिए सर, बोलिए। बोलिएगा। नहीं, जरूर हाँ बोलिए, सर जरूर बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर, प्रणाम। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, कर्तव्य के प्रति जो लेटेस्ट उदाहरण मोदी जी ने अपनी माता जी के निधन के समय भी दिया था, बिल्कुल कि तुरंत उस कार्यवाही जो मतलब कर्म पूजा थी वो करके तुरंत अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर होके उन्होंने कार्य किया, तो ये भी एक हमारे लिए मिसाल है। और हम लोगों को कहीं ना कहीं, जैसा आप बता रहे थे वक्ता महोदय, कि अपने विचारों में हम परिवर्तन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें जगह जगह ऑब्स्टेकल्स दिखाई देते हैं। यदि हम परिस्थिति को ये देख के कि ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, उसे सहज स्वीकार कर लें, तो शायद हमारे लिए ये समस्याएं और जो दुख है या परेशानियां हैं वो उसका उस एंगल से दिखाई ना दें और हम अपने आप को सहर्ष महसूस करें, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने, चलिए, धन्यवाद। जो चौधरी साहब कुछ बोल रहे थे, मैं कहा था। तो ऐसा बोलिए, जी आप कह रहे हैं बोलिए, अब तो बोल ही दीजिएगा। अब तो बोलना ही पड़ेगा चौधरी साहब को। बस प्रणाम कर रहा हूं, और नेब साहब जो अपने अनुभव से जो बात बता रहे थे, दिल की बात है, वो सबके लिए सही है और सबके लिए लगता है कि सरल भी है और करने लायक तो है ही रही, इसमें कोई शक नहीं है। भले हम भूल जाते हैं कभी कभी समय पर उस तरह का व्यवहार करना, वही एक कमजोरी है हमारी। सही वक्त पर हम पता नहीं एब्सेंट माइंडेड कैसे हो जाते हैं कि जो व्यवहार नहीं कर पाते हैं सही। वो नेम साहब को भी लगा होगा, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, तो ठीक है, वो तो होती है, गलती तो हो ही जाती है, कभी ना कभी गुस्सा, किसी से गुस्सा, किसी से प्यार, कभी कुछ कुछ, वो ऐसा चलता है। और ये बात सही है कि हम जब सोच लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो सचमुच सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस उस हमारे समय हाथ में सिर्फ लगता है। कर्म करना है सर, और कुछ नहीं। आप अपने कर्तव्यों को करते रहिए, चीजें सरती चली जाएंगी। एक बार आपने बात सही कही कि एक बार नहीं समझ में आता है हमने क्या कर दिया, बट वही एक कंट्रोल की बात है सर, कि वी शुड पॉज एंड देन रिएक्ट। हम लोग इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं, सामने वाले ने कहा नहीं, इसको रोका, और जैसे मैंने अभी आपको रोक के बोलना शुरू कर दिया, दिस इज द क्विक रिएक्शन। हमको आपकी पूरी बात सुननी चाहिए, थोड़ा सोचते फिर बताते, क्योंकि मैंने आपको वही एक रिएक्शन दिया, कर देते हैं हम लोग जो हमने अभी कर दिया। बिल्ली और शेर भी पोज लेते हैं सर, बैग जाते हैं फिर अटैक करते हैं। सही है। कुछ बहुत ज्यादा हो गया, फिर देवी शाह बोलिएगा फिर। जीवन में गलतियां तमाम की होंगी सर, लेकिन
नियत कभी किसी को नुकसान करने के लिए कोई गलती नहीं की, इतना अगर दिमाग में है तो पर नियत फिर भगवान भी पर माफ कर देता आज 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 की तो धन्यवाद में नियत आ गई, ठीक है तो बस सब ठीक है, बस 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 शुद्धि करता रहे अपनी जो उसने करवाना। आप अरविंद जी जब बोल रहे थे तो ये हमारा स्वाध्याय चिंतन चल रहा है तो ये किसने करवाया, अब आप खुद ही बोल रहे हो उसने करवाया, अब तो सब कुछ उसी ने करवा रहा है। अपनी नियत साफ रखिए, मन शुद्धि रखिए, बाकी सब होता रहेगा। और डॉक्टर साहब ने सब व्यवहारिक बातें बोली हैं, जो उन्होंने जीवन में देखा है, जो उन्होंने समझा है वही बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सबके जीवन में ये सब चीजें घटी है, सब चीजें अनुभव करते हैं लेकिन ठीक रास्ते पे चलते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं, बोले हम सेटिस्फाइड हैं कि हम गलत रास्ते से सीधे रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी कोशिश करता रहे और प्रभु की कृपा है, आनंद आनंद लेना सीखने, आनंद ही आता आनंद है। और कई बार नायब साहब भी बोलते हैं भाई ये क्या आनंद है, आनंद है जो आपने सब बोला उसी में उसी के भाव में रहो और मन को शुद्धि करते रहो और सब कुछ उस पर छोड़ दो, बस उसी में ठीक है। शुद्ध आत्मा करे, मन करे वचन से बुरा आए ना कुछ बस, और बाकी जो होना हमारे हाथ में कुछ नहीं। नायब साहब भी कई बार बोल चुके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करवाता है हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, इस जन्मों का कर्म है, फल भोग रहे हैं, कर्म करना हमारा फर्ज है। हमने जो 450 दिनों में सुना है यही सब सुना है और सब पे असर हो रहा है। ये नहीं कि मैं आज सब जो हमारा ग्रुप है हम सबको देख रहे हैं, नायब साहब भी बदले हैं, हम भी बदले हैं, अरविंद जी भी बदले हैं, सब एक दूसरे को रोज रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, असर तो होगा ही होगा। और मैंने तो पहले दिन ही जब शुरू शुरू में जब बोलना शुरू किया था, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारा चिंतन, तभी कहा था भाई ये तो इतने भाग्यशाली हम हैं, मतलब इससे बड़ा तो जैसे वेक चूड़ामणि में भी ये कहा गया भाई तीन चीजें सबसे सबसे दुर्लभ है, एक तो मनुष्य जीवन है, एक मोक्ष इच्छा है, और तीसरा सबसे है सत्संगति। तो हमें तो हम तो तीनों सब लोग इतने लकी है, भाग्य वाली, हमको तीनों चीजें मिली हुई हैं, रहेगा यही हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। मतलब कि इधर उधर डगमाने की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। तो इस स्थिति में है अब आप सबका प्रवचन सुन रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, नायब साहब तो बरसात करते जाते हैं हर बार ही, और कई हर बार आज आज कहानियां बड़ी अच्छी सुनाई आपने छोटी छोटी, मैं बीच में नोट भी करने वाला था, मैंने कहा भाई एक दो चीजें दोबारा अभी आप बोलने के लिए मैं बोल रहा था, वो कहानी याद करने की कोशिश कर रहा था। ये तो बिल्कुल वो पंचतंत्र की कहानियों जैसे बन गई है भाई, सब मिला के अगर कहानियां मिला दी जाए तो एक पुस्तक बन जाएगी शिक्षा वाली, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी कृपा है प्रभु की, आप लोगों की भी कृपा है कि आप लोगों का हमारा साथ मिला है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय एन के नेम साहब, आपने सुनाने का समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और तीन बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। विचार तो आ रहा था कि यार मुस्कुराने पे तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं, कहाँ छोटी सी कहानी सुना देता हूँ मैं। मतलब विचार तो मुस्कुराने पे था, पर कहानी सुना ही देता हूँ, और अगर कहोगे तो विचार भी सुना देंगे। कहानी यदि कि एक बार बीरबल अकबर जो है कहीं शिकार करते करते किसी दूसरे देश में पहुंच गए, भूटान भूटान में पहुंच गए, तो वहां उनको कोई जानता नहीं था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि, तो उस अरेस्ट करने के में वहां पर उनको जो जो भी उनका क्राइम होगा उनको फांसी सजा दे दी गई। मतलब अब जब फांसी दे दी गई तो अकबर ने कहा उसके, मतलब कहानी किद्वंद है, मतलब एक्चुअली किस तरह से कहानी होनी है कि शिक्षा की बीरबल है, को, शिक्षा मतलब की बीरबल को ये मानते कि वो उसमें इंटेलिजेंस है और अकबर मतलब वो है। तो बोले भाई फांसी हो गई, बीरबल तू बचा, अब कुछ ना कुछ तो बचा ना। तो बोले अब कैसे बचाए, बोले नहीं अब तू इंटेलिजेंस बचा। तो भाई साहब बोले सर ठीक है, अब एक काम करते हैं कि अब बचाने का वक्त आ गया, तो अब एक काम करते हैं, बहुत जोर से उसने उसके कान में कहा, और कान में कहने का तो बहुत जोर से चिल्लाया, सबसे पहले मुझे मारो, सबसे पहले मुझे मारो, मतलब सबसे पहले मुझे फांसी दो, सबसे पहले मुझे मार दो। और बीरबल अकबर बोला नहीं सबसे पहले मुझे फांसी दो। अब राजा बड़ा परेशान कि दोनों लोग इसी बात पर लड़ रहे हैं कि साहब मतलब पहले फांसी मुझे दो, पहले फांसी मुझे दो। तो बोले भी ये बात राजा तक जब पहुंची तो बोले भी ये क्या कह रहे हैं, बोले सब ये एक कह रहा है कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो।
बोले आज तक मरते हो तो बहुत देर पहले देखा, पर मरने की इतनी व्याकुलता, व्याकुलता तो बहुत पहली बार देखी है। बोले ऐसा क्या है कि मतलब दोनों एकदम लड़ रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है जैसी है। तब उन्होंने कहा कि बीरबल ने, सर आज जो वक्त है वो उत्तरायण का है और समय जो है इस तरह का है, सूरज के उसमें गया है, इस वक्त में अगर मैं मरूं, मुझे फांसी मिली तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा साहब, इस बात पे लड़ रहा है कि साहब पहले मुझे दो। तो राजा बोला वास्तव में कुछ ऐसा है? मतलब तो बोले हाँ वास्तव में कुछ ऐसा है। तो बोले तुम दोनों को रहते बिल्कुल पहले मुझे दो। तो क्वेश्चन ये कि किस प्रकार से हम अपने आप को, अपनी बुद्धि को, मतलब कैसे हम बैलेंस में रखें और कोई ना कोई तरकीब निकाल लें, मतलब प्रतियोगिता, मतलब ये चीज है। मतलब अब ये तभी होता है क्योंकि एक बात ये तय है कि जब कभी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो हमारी बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है, हमारे सोचने समझने का, हमारे एकदम बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है। एनीवे चलिए सर, वो थॉट भी बता दिया, रहने दें। बताइए बताइए। बताइए सर, बताइए। आज का थॉट जो था वो मुस्कुराने पे, आदरणीय नायब साहब ने बड़ा जोर दिया कि मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, तो मुस्कुराने पे है। कितना दूर निकल गए, कितना दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, कितना दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं दर्द है मेरे दिल में, लोग कहते हैं दर्द है मेरे दिल में, और लास्ट लाइन है दाद दोगे, मुस्कुराते और हम थक गए मुस्कुराते मुस्कुराते। मुस्कुराते सबसे अपने गमों को छुपाते छुपाते चलिए सर, आई ओम का सभी को प्रणाम, सभी को। शांति शांति।